गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। कोरोना अपडेट के बारे में मंत्री मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में 11 नए मामले सामने आए हैं और 29 लोग ठीक हुए हैं, वहीं 249 एक्टिव केस बचे हैं और बीजेपी लगातार कोरोना की समीक्षा भी कर रही है। दिग्विजय सिंह पर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। कमलनाथ के डीए को लेकर ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ ने ऐसे कई फैसले लिए थे लेकिन उनका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आशाजनक उपलब्धि आ रही है। आज पूरे मध्य प्रदेश में 11 कुल मामले नए आए हैं, 29 लोग ठीक होकर के अपने घरों की ओर गए, 249 एक्टिव केस अब मध्य प्रदेश में रह गए हैं, रिकवरी दर हमारी 98.8 है और रोज की भांति 70,000 के आसपास टेस्ट हमारे प्रदेश में हो रहे हैं। कोरोना पर पैनी नजर सरकार रखे हुए है, मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा करते हैं। जो भी हिंदुओं की आस्था की जब जब बात आती है, दिग्विजय सिंह ऐसे ही कहते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति है। जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तब इनने उसकी तारीख पर प्रश्न उठा दिया था। जहां तक कमलनाथ जी की बात है, जब चलती बिरिया आई थी, जब हाट उठने लगी, तो ऐसे निर्णय उन्होंने बहुत सारे किए थे जिन पर कोई भी इंप्लीमेंट आज तक नहीं हुआ। ये कांग्रेस की जो सरकार थी 15 महीने की, प्रदेश को उसका कलंक धोने में बरसों लगेंगे।